नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चहेते चैनल टेक ट्यूब पे। जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं पार्ट 12। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट 12 है। 11 पार्ट हमारे हो चुके हैं अभी तक और टोटल 18 घंटे का गेम प्ले हम खेल चुके हैं। तो दोस्तों, अभी हम और आगे बढ़ेंगे, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करना है। बेसिकली ये वाले जो एपिसोड है, इसमें हमें जाना है लैंड पे। जी हाँ, जो आर्कटिक लैंड मास है, तो वाला वहाँ जाना है। ओ, ये बैटरी चार्ज नहीं हुई अभी तक। मैं चेक करना पड़ेगा कि कितनी बैटरी मेरी सी ट्रक में है। 100% है, ये 81% है। थिंक ये चल जाएगी इतनी। ओके, तो और क्या नया आया हुआ है? तो दोस्तों, अगर आप देखोगे तो इसमें हमारे पास ग्लोव्स अभी भी पेंडिंग है और एक ये एक चिपसेट पेंडिंग है। बट हालांकि ये दोनों भी हमें कहाँ मिले नहीं। हमें स्नो फॉक्स भी ढूंढना है। यस, ये सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, स्नो फॉक्स। प्रॉन सूट के फ्रेगमेंट्स तो मुझे पता है कि हमें वो बहुत नीचे जाना पड़ेगा, जहाँ पे लेवेटन था, वो ब्लू कलर वाला। बहुत सारे अपग्रेड्स है दोस्तों, बहुत सारे। आउटडोर प्लांट वाला हमें अभी भी मिला नहीं है, ये प्लांट शेल्फ नॉर्मल मिले हैं। अच्छा, काउंटर मिला है, वॉल प्लांटर मिला है। ओके दोस्तों, तो थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा हमारे पास क्या क्या है। पानी है, खाना है, फैब्रिकेटर है। यहाँ तो बहुत सारे फिश पड़े हुए हैं, जो चाहिए वो खा सकते हैं। सिर्फ पेंगुइन भी आ गया, क्या बात कर रहे हो। हाँ, पेंगुइन भी आ चुका है। ओके, तो ये तो मुझे लगता है सारे ख़राब हो चुके हैं अभी, इस ज़्यादा टाइम रहते नहीं है। देखो इसकी हेल्थ, अच्छा दो बैटरी में से और पड़े हुए, तो बैटरी की टेंशन नहीं है, बैटरी बहुत है हमारे पास। डायमंड है, अच्छा ये खाली कर देता ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्रीचर एग, ये किधर जाऊंगा तो और जगह लगेगी मेरे को। चलो ये इतना रख के आता हूँ, मतलब स्टोरेज काफ़ी जगह बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा है गेम प्ले देखने के लिए। वेलकम अबोर्ड कैप्टन। ओ, लाइट चली गई, हमें लगाना पड़ेगा और एक सोलार इमरजेंसी में। अरे ये वो लाइट की, ये अंदर आ गया। अब ये अंदर कैसे आ गया, ये तो नया बग है। ये अंदर कैसे घूम रहा है? तो रात हो चुकी है और हमारा सोलार है, तो अभी रात को लाइट नहीं, बिजली चली गई। अरे रे, ओके, हमारा हैबिटेट बिल्डर किधर है? हमारी हैबिटेट बिल्डर की बैटरी बहुत कम है। अभी कहाँ गया बैटरी? एक और यहाँ लगा देते हैं। कॉर्ड सेटलमेंट, कॉपर कोर सारा पड़ा हुआ है हमारे पास, फटाफट लेके आते हैं। वार्निंग, इमरजेंसी पावर ओनली, ऑक्सीजन प्रोडक्शन ऑफलाइन। ओके,
डायमंड रखे हैं मैंने, क्वाइट चाहिए मुझे। सच में अंदर आ चुका है भाई, तू आया कहाँ से? Power restored. All primary systems online. तो एडिशनल एक लगा दिया मैंने। क्रीचर एक कहाँ रख दूँ? उसके लिए जगह नहीं है, बहुत जगह लगने वाले क्रीचर के लिए, बड़ा है। इसमें क्या है? वहाँ पर इतने सारे चीज़ें हमारे पास, ढेर सारे चीज़ें हैं, बट अभी मुझे लगता है मुझे यहाँ ही डंप करना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है। ओके, तो हम लेके जा रहे पानी, खाना, पानी, ढेर सारे पानी। ओह, मेरे पोस्टर भी लाए थे, इसको भी निकाल देता हूँ। ये सब हमें बाद में लगने वाला है जब हम बेस एक्सपेंशन में चले जाएंगे पूरी तरह से। हालांकि गेम इतना बड़ा है। आ गए मछली, मछली खा के निकलते हैं। सुबह हो चुकी है, ये सही वक्त है अगर हमें कुछ भी ढूंढना है तो, ये वाला जो वक्त है लेजर कटर, ये सही रहेगा। चलो अभी और देखते हैं क्या पड़ा है हमारे पास, वरना हम निकल जाते हैं। ये नट रखे मैंने, ये मैं रहने देता हूँ बिकॉज़ ये मुझे शायद कभी किधर अटक गया तो काम को आ जाएंगे। ढेर सारे प्रिपरेशन के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये सुबह हो जाती है, इतना बढ़िया दिख रहा है, देखिए। वाह, बाय द वे हम वहाँ जा चुके हैं। आउटपुट ज़ीरो बेस ये हमारा, ओके वहाँ पे हो चुका है, वहाँ पे हो चुका है। डेल्टा स्टेशन यहाँ पे है, तो मुझे लगता है मुझे अभी इस तरफ ढूंढना है। इस तरफ हम गए नहीं, यहाँ पे भी एक आइस ब्लॉक लग रहा है पूरा जो आर्कटिक है। चलो देखते हैं, इसमें अगर झाड़ उग गया तो अच्छा होगा। हालांकि हमने जो प्लांट लगाया है उसको टाइम लगेगा, फटाफट नहीं आते हैं। ओके, थोड़ा रिवर्स और फिर इसको घुमा लेते हैं पूरी तरह से। तो यहाँ पे जो है हमारा पुराना बेस, आउटपोस्ट ज़ीरो बेस, और ये यहाँ पे जो आर्कटिक है ये डेल्टा स्टेशन है। ओके, तो नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ पे जो आर्कटिक वाला जो जोन है वो हमने इतना कुछ डिस्कवर नहीं किया, एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है, तो ये थोड़ा मिस्टीरियस है। ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एड किट नहीं है, मैं भूल गया, फर्स्ट एड किट नहीं है। तो कैसे कि जाना है तो पूरा प्रिपेयर जाओ, मतलब कुछ भी तकलीफ ना हो।
चलो हमारे पास एक फर्स्ट एड भी है और एक केल्प है, इसकी कुछ काम का नहीं है, केल्प तो डंप कर देते हैं। हालांकि मैंने डंप किया कहाँ पे? अबे ये अजीब है, यहाँ पे इतना छोटा दिख रहा है, जब मैं इसको इन्वेंटरी में डालूँ इतना बड़ा दिखते था। चलो अब हम करेंगे और ज़्यादा एक्सप्लोर। हमें जाना है साउथ वेस्ट जा रहे हैं, लास्ट टाइम भी हम ऐसे साउथ वेस्ट साउथ की तरफ ही घूम रहे थे, और ज़्यादा घूमना पड़ेगा बेसिकली। वो ये बहुत ही अच्छे हैं, चलिए लास्ट टाइम हमने खाए थे, मन कर इसको ले लूँ। मुझे लगा वो लाइट है, बट ओ देखो ये क्या है। अच्छा ये मैं फर्स्ट टाइम दिख रहा हूँ दोस्तों। ओके इसको फॉलो करते हैं, जा कहाँ रहा है ये। ये वाला एरिया तो मैं नहीं आया था, ये बहुत बढ़िया गेम है, हर वक्त कुछ ना कुछ नया मिलता ही रहता है, कुछ ना कुछ नया डिस्कवरी होता ही रहता है। वो इसे बहुत बड़ा है, ये हीट बीट कुछ नहीं दे रहा, शायद ये हमें एंट्रेंस की तरफ ले चले। तो जहाँ कहाँ रहा है, ओ ये क्या है, आई जेली। कोई आई जेली है, इसे दूर रहना पड़ेगा। अरे बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पे, ये तो अंदर जा रहा है वापस। ढेर सारे यहाँ पे, मुझे लगता है मुझे सी ट्रक लेके आना चाहिए, बिकॉज अरे ये तो टूट नहीं रहा है, लेजर कहाँ गया। टूट ही नहीं रहा है, पड़ा हुआ है यहाँ पे, ढेर सारा कॉपर है। ओ दोस्तों यहाँ से ही कहाँ से तो एंट्रेंस है, देखो हम यहाँ तो आ चुके हैं, क्या बात है। ओ क्या, ओ हो, बहुत सारे जेली फिश है। चलो सी ट्रक लेके आते हैं, सही जगह पहुँचे हम। अभी यहाँ से हमें ढूंढना पड़ेगा जाना कहाँ है, तो संभाल के मेरे को जाना पड़ेगा, बिकॉज ढेर सारे क्या मस्त दिखती है ना। और काफ़ी बड़े है जेली फिश, आई जेली, कैल्पी है, बहुत सारे और
बाप रे, देखो कितने सारे हैं। ओ काटते हैं। ओ यस, हेल जाता है, काटता ही है, दूर रहना पड़ेगा इनसे, डेंजरस है ये। तो हम सही जगह आए, ये तो बात पक्की हो गई। अरे हमारा सी ट्रक कहाँ गया? हाँ सी ट्रक यहाँ पे। तो एक बार यहाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी देख लेते, ऐसा ना हो कि मैं कुछ वहाँ पे मिस कर दूँ जहाँ से पहला मैंने इसको देखा था। स्कैन नहीं कर सकते इसको, और यहाँ पे टूटा पड़ा है ये। आगे कुछ भी नहीं है। चलो बैक टू सी ट्रक, सी ट्रक को लेके जाते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे, अरे यार उस जगह को कौन बीकन नहीं आया, बीकन कहाँ चला गया पता नहीं। बीकन हमने यूज़ कर लिया, हमें और बीकन बनाने पड़ेंगे, बीकन बना लेते बिकॉज हमें वरना वापस ये मिलेगा नहीं लोकेशन। और एक बन रहा है, टाइटेनियम नहीं है? अरे टाइटेनियम तो मिल जाएगा, पड़ा है ना, बोला ही था ये काम को आता ही कुछ नहीं। कुछ दो, हमेशा दो लेके जाना चाहिए बिकॉज पता नहीं ना कहाँ दो लोकेशन का एंट्री, अगर एक ही लोकेशन के लिए दो एंट्री मिल गई तो चलो सॉर्टेड है। तो ये रहे ढेर सारे आई जेली, और ठोक दिया आई जेली को मैंने, वहाँ जा रहा हूँ मैं अभी। यहाँ से हमारा जो घर है वो 593 मीटर्स पे है। हाँ ये रहा, ठोक दिया। मेन ये है कि इसकी एंट्रेंस कहाँ पे है, यहाँ पे आके खत्म हो जाता है अंदर की तरफ जाके। और अरे ढेर सारा कॉपर है यहाँ पे, ये देखो ये भी कॉपर ही है। अच्छा हम और अंदर जा रहे हैं कैनल में, वो शैडो देखो दोस्तों क्या बढ़िया दिख रहा है इसका, मस्त शैडो आ रहा है। यहाँ से एंट्री मार सकते हैं, यस दोस्त लोग। दोस्तों आई थिंक हम आ चुके हैं ये आर्टिक वाले नए एरिया में, और वायलेंट स्नो कोन स्टीमेंट करता क्या भाई। अच्छा ये गर्मी देगा, कब देगा भाई, आज देगा कल देगा परसों देगा पता नहीं। अच्छा यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, ठंड लगने वाली है हमें बहुत सारी, ज़बरदस्त ठंड लगने वाली है। ओके तो हम आई थिंक, अरे ये रहा, क्या बात है, अच्छा काम कर रहा है ये, मुझे लगा शो के लिए।
कि कब स्नो आ रहा है। लाइट लगी हुई है, रात होने वाली है दोस्तों, मुझे फटाफट ढूंढना पड़ेगा कुछ शेल्टर। पिकअप ये क्या है? ये तो ऑपरेशनल नहीं लग रहा है। शिट, रात हो चुकी है। स्टीम वेंट, बंद मत हो। ओके, ये शायद केव है। पूरा माहौल ही अलग हो चुका है इसका, अलग दिख रहा है पूरा। मुझे तो कुछ समझ नहीं, रात को कुछ समझता ही नहीं जल्दी। क्या सही दिख रहा है देखो दोस्तों रात में। अरे मेरी स्टीम वेंट। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम अंधेरे में ये सब एक्सप्लोर करें, या हम रुके दिन के लिए, उजाले के लिए, जो मुझे इधर बहुत ज़्यादा लाइट है। ओ मैं पानी में आ गया, शिट। इतना अंधेरे कुछ दिख भी नहीं रहा ठीक से, चढ़ना कहाँ से। और मैंने अच्छा, तो दोस्तों एक चीज़ है, हमें अभी यहाँ पे लाइट लगने वाली है, इसके बिना तो हम ये कुछ कर नहीं पाएंगे। The artifact you found contains traces of information suggesting what has become of my people. और मिला हमें, ओ क्या सही दिख रहा है ये। हाँ और एक ओके, आर्किटेक्ट का ये मिला है हमें, एनर्जी जनरेटर मिला है। अच्छा इसके हिसाब से मुझे क्या मिला है, क्या मिला। रिसाइकल आइटम इनटू देयर अच्छा ये ट्राई करके देखना पड़ेगा। सही दिख रहा है दोस्तों, मतलब डॉट लाइट में भी बहुत सारे क्यूब है, क्या बात है। अरे विदाउट लाइट आराम से दिख जाते हैं। अरे भूखो प्यास लगी हुई है, भूख लगने वाली है। खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, नहीं खाने के लिए मेरे पास है, पानी भी है मेरे पास, ये वाला ही पानी ख़त्म कर लेते हैं। सूट बनाता ही रहता है ऐसे भी आ जाके। अरे अटक गया, अच्छा और कुछ नहीं, मुझे लगता है इतना ही है ये वाला पार्ट। तो एक हमें नई जगह मिल गई, क्या बात है। ज़बरदस्त गेम है, मतलब हर बार बाहर निकलो और कुछ ना कुछ तुम्हें मिलता ही है। एक्सप्लोरेशन ऑफ, यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, अभी अटक गया जाना है। अरे हाँ ये गर्मी देता है, ये ले लो तो खा लो। अरे और भी है, दिखने में बहुत फनी लगता ही है बट तो स्नोफॉल चालू हो गया है। आत्मा, अरे बाप रे, तो बहुत डरावना सीन हो गया है। अभी कहाँ जाना है,
यहाँ पे तो अंधेरे में घूमना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मतलब देखो मेरा सी ट्रक वहाँ पे दो वेंट मेरे को दिख रहे, खाली एक और एक वेंट आ गया। अरे वाह 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 प्रेशर। सुबह होने वाली है धीरे धीरे, सही है। अरे बंद हो गया। और आई जली यहाँ पे इवेंट है। यहाँ पे सब स्नो फॉक्स के लिए एरिया बनाया है, मतलब उसके बिना तो कुछ फ़ायदा नहीं। बहुत बड़ा एरिया है और स्नो फॉक्स का होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं बिंदास घूम रहा हूँ कि बाजू में पानी का ठंड बजी तो पानी में कूद जाऊँगा फटाफट। ये देखो यहाँ से आए थे हम लोग, दिख रहा है वो देखो दोस्तों, इसको फॉलो करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। तो यहाँ से भी एक एंट्री है बट हमने फॉलो नहीं की ये वाली एंट्री। तो ये एंट्री टू है। तो बहुत ठंड बज रही है, पानी में जाते थोड़ा। वो रहा स्टार्टिंग पॉइंट। Dangerous weather approaching. Seek shelter. यहाँ से क्या जा रहे हैं? यहाँ पे कुछ दिख रहा है मुझे। रीचर एक अरे क्या बात है, यहाँ से भी एंट्रेंस थी तो मुझे पहले दिखे क्यों नहीं ये सब एंट्रेंस। देखो 300 मीटर पे ही है ये तो। जबकि यहाँ पे मैं आया घूम चुका हूँ बट ये वाली एंट्रेंस मुझे दिखी नहीं तभी। दिखने में मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे भी नहीं पता अभी। ये अंदर ही पूरा नेटवर्क है मतलब केव्स का, तो यहाँ से वहाँ वहाँ से अरे काफ़ी अलग अलग जगह से मतलब एंट्रेंस दिए ये लोग ने। ओह शिट, भागो 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 भागो। छोटा लाल कलर का मच्छी है वो मारता है। कहाँ जाना था? ये सी ट्रक कहाँ है? सी ट्रक इधर है। वो रहा सी ट्रक। और ये आई जिलीज वापस देखो, बहुत बहुत ही अच्छी दिखती है। ऐसे दूर रहना है, बहुत डरावना है। काटते हैं
तो मुझे लगता है कि ये आउटर पार्ट है, मतलब मेन जो पार्ट है वो उस तरफ है, और उस तरफ का जो एंट्रेंस है मुझे लगता है वो स्नो फॉक्स के बिना नहीं मिलेगा, मुझे ऐसे ही लग रहा है। ये पूरा घूम चुका है, घूम लिया हमने, ये पूरा एक बड़ा आइस शीट है, देखो ये बड़ा माउंटेन है, इसकी वो साइड पे बहुत बड़ा आर्कटिक का लोकेशन लग रहा है मुझे, वहाँ ही जाना है हमें। ये एम्प्टी है क्योंकि पूरा मैंने लगता है स्नो ले लिया फालतू में। ओके तो इसका हम नामकरण कर लेते हैं क्योंकि सी ट्रक तो वहाँ से ही बराबर एक्सेस है। ये देखो ये जो जंप है ना, मतलब वहाँ से आके यहाँ से स्नो ट्रक उड़ाना है, स्नो फॉक्स उड़ाना है, और स्नो फॉक्स को उस साइड लेके जाना है, और वहाँ से हमें एक्चुअली एक प्रॉपर एंट्री मिलेगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ढूंढना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाए। तो था यहाँ पे ना, अरे ठंड बजने लग गई इसको, हाइपोथर्मिया हो जाएगा वहाँ पे। स्टीम बंद मत हो, बंद मत हो फटाके बंद हो जाता है। तो यहाँ पे मैं देख रहा था कि कुछ नहीं है राइट में, लेकिन तो दिन में जितना देख सकते फटाफट देख लो, अंधेरे में कुछ नहीं पता लगता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। नहीं यहाँ से नहीं जा सकते, और यहाँ से मैं गिर जाऊँगा लगेगा। ये केव में कर चुका हूँ, केव में कुछ भी नहीं है। अच्छा ये नहीं देखा मैंने, ये आगे क्या है, डेड एंड है या और भी जगह है? तो ये डेड एंड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, मज़ा आ रहा है, बट स्नो फॉक्स की बहुत ज़रूरत है। ये जंप बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे हमारी स्टोरी बढ़ेगी आगे। अच्छा भाई साहब, इसका एंट्रेंस कहाँ पे है? और हमारे पास ये भी था ना, फ्रैगमेंट्स, स्नो फॉक्स के फ्रैगमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं मिल रहा है, ये देखो यहाँ से जाके वहाँ से जंप मारना है हमें। All Terra facility beacon detected nearby. Unique identifier. Fire Robotics Center. हाँ है ये। Okay.
तो ये मिल गया मुझे यार, एक फ्रैगमेंट नहीं मिल रहा स्नो फॉक्स का, और विदाउट स्नो फॉक्स तो हमारा है। ये क्या है, ओके नॉन पोटेबल वाटर, ओ स्नो फैट स्नो फॉक्स का फ्रेगमेंट मिलना चालू हो गया दोस्तों, और एक चाहिए फिर हमारा स्नो फॉक्स बन जाएगा, मतलब इसी लोकेशन के आसपास, इसी लोकेशन के आसपास ही होगा, ढूंढे रहना पड़ेगा दोस्तों, मिल जाएगा हमें फटाफट, कोई नहीं। ये पत्थर यहाँ पे बड़े नहीं लग रहे, मतलब पानी में छोटे लग रहे थे, यहाँ बड़े लग रहे मुझे। बहुत ठंड बज रही है यार, 73 हो गया है। ओह वो क्या है, छुट्टियाँ पड़ी हुई है, मुझे लगता है इसके आसपास ही होना चाहिए, और एक फ्रेगमेंट और हम निकल पड़े आ गए, फिर मस्त भी घूमने मिलेगा फिर फटाफट। क्या गिर रहे हैं, कुछ ना कुछ गिर रहा है यहाँ पे, हाँ यहाँ मिल जाएगा अंदर, चलो robotics. This is where Sam worked. Oh, badhiya. Sam ka location mil gaya dosto. Yes. New blueprint synthesized. Kya baat hai? तो हमें मिला है नया फ्रैगमेंट, स्नो फॉक्स का एक फ्रैगमेंट पेंडिंग है, बट वो कहाँ गया जो नया मिला, वो कहाँ, तो दिखाई नहीं दे रहा है। सीरियसली कहाँ चला गया, अभी तो हमने मिला था। अरे स्टार्ट से देख तेरे को, यहाँ तो दिख नहीं रहा है। ये वाला फ्रेगमेंट दिख क्यों नहीं रहा है, पाय रोबोटिक सेंटर, हालांकि मैं इसको नहीं लगा रहा बिकॉज ऑलरेडी बाहर पड़ा हुआ है। बैटरी मिली, इसको चला सकते हैं, अरे यार चला तो मज़ा आता था, नहीं चला सकते बट यहाँ से एंट्री नहीं है, एंट्री कहाँ से भाई, ये भी वही है। ओ शैडो देखो हमारा, हाहा क्या बात है, बढ़िया इंजन है, बढ़िया ग्राफिक्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से एंट्री है ही नहीं, एंट्री कोई और जगह से है, हमें ढूंढनी पड़ेगी और मुझे फटाफट ढूंढनी पड़ेगी। ये आई एंट्रेंस, पहले अंदर जाके देखते हैं, Sam loved working here with her spy pinglings. Do all humans like work? The lucky ones do. Are you lucky? I used to think I was.
दोस्तों लास्ट फ्रेगमेंट जी हाँ दोस्तों हमारा स्नो फॉक्स, ओ हमारे पास मैग्नेट पड़ा हुआ है, लुब्रिकेंट है, हमें वापस जाना पड़ेगा हमारे बेस पे मैग्नेट लेने के लिए। सही दोस्तों हम सेट हो चुके हैं पूरी तरह से, अब वापस यहाँ आना पड़ेगा। डिप्लॉयमेंट ओ नेम प्लेट जिटा, किट लार्ज फिल्टर वाटर, अरे वाह क्या बढ़िया एक्वेरियम है। कोल्ड सूट फ्रेगमेंट मिल रहा है, ये बहुत काम को आएगा। न्यू ब्लूप्रिंट सिंथेसाइज्ड, डायरेक्ट ब्लूप्रिंट ही मिल गया मेरे को, फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं। कहाँ गया वो तो बनाना ही पड़ेगा वरना हम स्नो में घूम नहीं पाएंगे, बहुत ठंड बचती है ना। ये स्नो वाला सारा आइटम ने एक साथ अलग से रखना चाहिए था लोग ने। अच्छा यहाँ पे, अरे स्नो स्टॉलकर फर, अरे यार फर मिलने में तकलीफ है, मतलब बाकी सब ठीक है। और क्या है, कुछ नहीं है। चलो भाई और ये क्या है, ओ पीडी है, तो टीम तो लीडरशिप का, अरे क्या पोस्टर है, अरे ये भी धुन, ये जुक बॉक्स बना के लगाना पड़ेगा तो जाके हम सुन पाएंगे इसको। Combined with a frozen water source, water purification tablets can create drinkable water as you explore the snowy surface. Oh, तो यहाँ पे पानी का सीन अलग है। ये तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना पेंगुइन। Oh, गैलक, ये मैप मिल गया हमें। तो ये है मैप, यू आर हियर, ये जो रेड है हम यहाँ पे है, यहाँ हमारा सी ट्रक है, यहाँ से हमने एंट्री मारी, यहाँ गए और ये टावर है यहाँ पे। अच्छा काफ़ी बड़ी बढ़िया बड़ा एरिया है और हमें ये क्रॉस करके वो साइड पे जाना है। ओके और मुझे याद आया जस्ट दोस्तों सेव करना चाहिए, सेव नहीं किया हमने अभी तक। This must have been Sam's room. But something's not right. टूटा फूटा है पूरा रूम, टूटा फूटा है। फ्रेम डार्ट ये सब बंद है। पीडीए, हाय यू, हाउ इज एवरीथिंग एट पेंगलिंग सेंट्रल? ओह फाइन, बट आई हैवंट हर्ड एनीथिंग सिंस गिविंग द फुटेज टू ज़ेटा। इट्स बीन व्हाट, अ वीक? डिड शी प्रॉमिस यू अ रिपोर्ट? नो, बट आई एक्सपेक्टेड सम काइंड ऑफ रिएक्शन। Maybe I should take it up with Emmanuel. It is Kara, after all, and it could cause a lot of suffering if it got out. Why would it get out? We have professional containment and know how to neutralize it in an emergency. Sam, I love you, but you don't know what you're talking about. You love me? Wait, why do you know so much about this? It's my area of research. Why are you being evasive? Oh, I'm gonna tell you something, and then you have to drop this crusade you're on before you damage your career. We're researching the bacteria. What kind of research are you doing? I don't want you worrying about this. We are aware of the possible downsides, but they're far outweighed by the potential. That's as much as I can tell you. Sam. I need to think. I have to go. Thank you.
ये पूरी स्टोरी जो है एक बैक्टीरिया डेवलपमेंट के आसपास है। किचन में आ चुके हैं कुछ खाने के लिए। इन्वेंट्री मेरी भर गई यार, जगह ही नहीं इन्वेंट्री में। ये खा लेता हूँ ना। अजीब और पीड़ी है। Hey guys, I'm so glad you're here. Where else would I be? Like I'd miss Fred being exposed as the alien intruder. That's not gonna happen. But you didn't say you were not the intruder. No, not this argument again. I beg you. I think the game will settle this debate. So, I just want to ask you something quick before Zeta gets back and we start playing. It's about the cavern with the frozen Leviathan. I investigated and... You investigated? When? I didn't see you. Maybe you were asleep or busy doodling inappropriate sea creatures. Those drawings are art. Anyway, I've looked into it, and I think we have reason to be concerned. It wasn't that long ago this planet was uninhabitable. But if we work together, we can get them to put an end to the Corral mutation experiments. I'm not comfortable with this. Samantha, you're paranoid. Come on now, you're Sam out. She has her safety at heart. And the rest of us don't? Zeta! Can we play the game now? Fine. Oh, you brought a friend. Spy pangling in training. We're recording audio, is that okay? Of course. I have the photos you sent. What am I looking at here? Corral pustules on the frozen Leviathan. That's nothing to worry about in and of itself. It's well contained. The ice samples suggest it's been frozen since the time of the outbreak. The strain made the planet uninhabitable. If it mutates... Are you feeling unsafe? Very. If I escalate this issue for you, will you feel comfortable enough to concentrate again? I have deadlines for the snow fox and the mining bots coming up. I really need your focus on the penglings. Oh, yeah. That's a relief, actually. I was expecting more of a fight. Nothing is more important than our safety. I'll take care of it, okay? Thanks. I won't let you down. Thanks, Sam. Keep up the good work. तो अब हम जा रहे हैं इस केव की तरफ। देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है। ओ, आर्किटेक्ट टेलीपोर्टर। अच्छा, ये भी हमें टेलीपोर्टेशन। अच्छा, तो ये डेफिनेटली आगे जाके कुछ स्टोरी में रहेगा जो ये यूटिलाइज होगा। अगर आपको याद होगा तो पता नहीं, मुझे पार्ट वन में भी ऐसे थे स्पेशल टेलीपोर्टेशन गेट्स जिसको हमें एंड में काफ़ी यूटिलाइज करना पड़ा एक लोकेशन दूसरे लोकेशन जाने के लिए। तो ये मुझे डेफिनेट लगता है कि हम आगे जाके इसको यूटिलाइज करेंगे, अभी नहीं बट आगे। यार इतना पानी दे दिया है। तो हमारा पाए बेस जो है पूरा का पूरा हमने ढूंढ चुके हैं। अभी हमें ढूंढना है केव। जी हाँ दोस्तों, केव ढूंढना है और स्नो फॉक्स बनाना है। तो अब हम जाएंगे, स्नो फॉक्स बनाएंगे, फिर वापस आएंगे। सेव कर लेता हूँ पहले। हम जा रहे हैं वापस बेस पे और हमें स्नो फॉक्स बनाना है। तो ये गिरते रहते हैं, मतलब क्या गिर रहा है। अरे बाप रे, ओ तो यहाँ से हम उसको बेच सकते हैं। अरे बाप रे, स्टीम कहाँ पे है। स्टीम आ जा जल्दी। ओ, आ गया टाइम पे।
Dangerous weather approaching. Seek shelter. ठीक है. तो हैबिटेट बिल्डर कहाँ गया हमारा? बैटरी तो बहुत है हमारे पास. तो मुझे लगता है इसका जो पॉड था, मतलब कहाँ गया यार वो, मिल नहीं रहा है मुझे. हाँ ये रहा टाइटेनियम वायरिंग किट चाहिए मुझे खाली बस. तो वायरिंग किट तो मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे इसमें ही बन जाएगा. तो दोस्तों हम जा रहे हैं वापस, वायरिंग किट बना के आ जाते हैं यहाँ पे. बट हमें ऐसे भी वहाँ जाना पड़ेगा बेस में, बिकॉज मैग्नेट चाहिए और मैग्नेट हमारे पास अभी है नहीं. हमने बेस में रख दी, गलती कर दी, उसमें नहीं रखना चाहिए था, अभी काम को आ जाती. चलो कोई नहीं, फटाफट दौड़ के जाते हैं. तो ये आर्टिक बेसिन हमें मिल चुका है और हम जा रहे हैं वापस हमारे बेस की तरफ, दौड़ दौड़ के, भाग भाग के. तो जैसे मैंने कहा था कि ये इनिशियल एरिया है, यहाँ से हम आगे बढ़ पाएंगे एक बार हमारा स्नो फॉक्स बन जाता है तो. और स्नो फॉक्स बनने के बाद हमारा गेम प्ले और फास्ट हो जाएगा और आगे बढ़ेगा. अभी जाते पानी में. मुझे बहुत पसंद आई आईजीडी, बहुत क्यूट दिखती है, दिखने में क्यूट है बट डरावनी है, काटती है. पानी रख लेता हूँ. ये लगेगा मुझे वायरिंग किट बनानी है, वायरिंग किट. ओ ये आ चुका है, वो फाइबर मेश मेरे पास है बट स्नो स्टॉल्कर का फर नहीं है, वो लगने वाला है. अच्छा फ्रोस्ट वेस्ट प्लांट और सॉल्ट डिपॉजिट से ये बनेगा वायरिंग किट. ओके तो हमेशा का हमारा जो काम है, जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, वो हम करते हैं टैगिंग. टैग करते हैं जिससे ये सब कुछ हमें बनाना याद रहेगा. ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, और क्या बनाना है, ये बनाना है, और ये बनाना है, ये बनाना है. और जगह नहीं है बट इसको पहले हटा देते रुको, ये बाद में बनाते हैं. एक जगह देखिए जहाँ पे ये काम को आने वाला है, तो ये भी बनाना है मुझे. कॉपर वायर और ये सिलिकॉन रबर, ये सब फटाफट बन जाएगा. तो ओह यहाँ से जाने के पहला सबसे इम्पोर्टेंट काम वो है हमारा. अरे वापस ले लिया मैंने. ओके ओके तो ये वाला हम नाम दे देते हैं इसको, मतलब हमें पता रहे हमेशा. ओह क्या क्यूट है.
तो हम जा रहे हैं वापस बेस की तरफ दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको बता दूं कि ये गेम पूरा लॉन्च हो चुका है और ये हम वर्जन 1 खेल रहे हैं जो कि पूरा फुल फ्लेज लॉन्च है। हालांकि इसमें काफ़ी बग्स और काफ़ी स्टोरी लाइन स्मूथ कर दी है, बट हमें अभी जस्ट एक बग मिल चुका है जिसमें जो फिश था वो, अरे ये इसकी साइज़ देखो छोटा है और ये देखो कितना बड़ा है, बहुत ही बड़ा है ये। इतने सारे यहाँ पे, बाप रे। तो एक छोटा बग मिला था हमें जिसमें जो फिश था वो हमारे जो बेस के अंदर घूम रहा था बिना पानी के, जो तड़पना चाहिए था बट घूम रहा था आराम से। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल कर दिया, हमने बग सॉल्व कर दिया, हमने फिश को पकड़ लिया और खा लिया, बग सॉल्व हो गया। तो अब हम जा रहे वापस हम बेस की तरफ और जो बाकी की तैयारी हम बेस में ही कर लेंगे। ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है, 370 है। तो दोस्तों सफ़र चालू है तो आपको बता दूं कि TechTube जो चैनल है हमारा उसका इंस्टाग्राम आईडी भी है TechTube247, उसे ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको वहाँ पे भी काफ़ी अपडेट्स मिलेंगे आने वाले गेम्स के लिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, हमने एक न्यूज़ सेगमेंट भी चालू की है TechTube पे और हर महीने हम न्यूज़ लेके आते हैं। लास्ट मंथ में हम लेके आए थे ज़ोंबी वाले जो 2021 में न्यूज़ आने वाले, वो उसके बारे में सारे का सारा एक सेगमेंट लेके आए थे। उसके बाद हम मध्यकालीन गेम शो है उसके बारे में भी एक न्यू सेगमेंट लेके आए थे, और अप्रैल वाले जो गेम्स थे जो अप्रैल में रिलीज़ होने वाले थे उसी के बारे में भी हमने एक सेगमेंट लाया था। तो ज़रूर एंजॉय कीजिए दोस्तों टेक्टिव न्यूज़। तो हम यहाँ पे स्पेशली मैग्नाइट के लिए आए हैं। Welcome aboard, Captain. अरे कहाँ गया, तो मैग्नेट मेरे यहाँ रख दिया। हाँ ये रहे, तो मैग्नेट चाहिए हमें और एक ये चाहिए। तो हमारा स्नो फॉक्स का तो डिटेल सारे आ गए, और हमें चाहिए था कहाँ गया वो, हाँ ये रहा, ये हमारा ऑलरेडी रेडी है। और पेगविन के लिए चाहिए हमें एक, ओके ये भी आ गया, और चाहिए हमें सिलिकॉन, कहाँ गया सिलिकॉन भी हमारे पास था ना। अरे बर्फ़ की लेके घूम रहे हैं हम लोग अननेसेसरी, बर्फ़ की तो कोई ज़रूरत नहीं है। सिलिकॉन बनाना पड़ेगा हमें,
कपड़े बना पा रहे हैं, क्या बात है। अरे ये तो अभी दो मिनट में मिल जाएंगे, ये शायद है ना मेरे पास, हाँ तो रखी है मैंने। अरे ये रही, चलो बन गया, सिलिकॉन भी बन गया दोस्त। अरे ये क्या बात है, ये देखो पिकअप नट्स, झाड़ आ गए, झाड़ बढ़ रहे हमारे मस्त विकी। बस हो गया, एक सिलिकॉन भी बन चुका है हमारा, इसको हम डंप कर देते हैं यहाँ पे, इसकी ज़रूरत नहीं है। हालांकि दो बन गए, दो की ज़रूरत नहीं, एक ही काफ़ी है। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा Without spy penguins, scientists may have never discovered that penguins incubate their eggs in small cave burrows, often alongside thermal lily roots. ओके तो इसी के साथ हम करेंगे इसको अनपिन, जो चीज़ें रेडी है, स्पाई पेंगुइन की ज़रूरत नहीं, अभी हमारा रेडी हो चुका है, हटा दो हटा दो। और इसके जगह पे हम डालेंगे जो चीज़ ज़रूरत, कोल्ड सूट ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है। ओके तो वायर किट कहाँ चला गया हमारा, मतलब वायर यूज़ कर लेंगे मैंने वापस। अरे यार वायरिंग किट यूज कर लिया मैंने, और इसमें सिल्वर रोल कम है। कोई नहीं, सिल्वर रोल है हमारे पास, जहाँ तक मुझे याद है हमारे पास सिल्वर रोल है। और नट खा ले, भूख लगी है, पानी भी नहीं है, नट खा लेते हैं, बड़ा वाला नट है एकदम, ये देखो। हालांकि ये देखो हेल्थ प्लस 10 है, फूड 15 है, H2O 5 है, और ये आते रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। बहुत बड़ा है बढ़िया, मतलब कैरी करना तकलीफ है। अच्छा तो सिल्वर जो है वो हमारे पास है दोस्तों, ये रहा सिल्वर, आ गया चांदी, कहाँ गई चांदी का ओर जो है हमारे पास पड़ा हुआ है, आई थिंक यहाँ पे है ना, ये रहा चांदी ही चांदी। फिर एक बार हमने वायरिंग किट बना दिया है, तो पूरी तरह से सेट है हम, और सेव कर लेते हैं और हम जाते हैं वापस। आ गया हमारा, ये रहा बेसिक एंट्री, तो ये है 500 मीटर दूर। ओ मैं बोले अंधेरा की ओर लाइट लगा दो, वही अंधेरे में जाऊंगा तो टाइटैनिक हो जाऊंगा, मतलब दिखेगा नहीं कुछ, ठोक दूंगा, पता लगा मेरा सी ट्रक डूब गया। अंधेरे में अच्छा दिखता है एक्चुअली देखा गया तो। काफी दूर है ना, मतलब 500 हो गया। ओ क्या है इतना बड़ा, ऊपर वाला माहौल तो पूरा चेंज ही रहता है अलग अलग। अभी देखो अभी वही सही माहौल है, ठीक है। ओ देखो दोस्तों क्या बढ़िया दिख रहे रात को, वाह बहुत ही अच्छे दिख रहे यार, फिश आई जेली
सुबह होने आ गई वापस, रात को अच्छे दिखते ही है। ये कहाँ घूम रहा हूँ, मुझे जाना कहाँ था? एक मिनट, ये पी आई रोबोट है। हमारी एंट्री कहाँ चली गई? वहाँ पर नहीं, ये आउटपुट है ये रहा। तो अगर ये नहीं होता तो वापस घूमना पड़ता था गोल गोल, एंट्री कहाँ से। हालांकि हम काफ़ी, अरे सॉरी, अरे ये क्या बात हुई, एक मिनट, ये इतना दूर कैसे आ गया? हमने तो इतना दूर नहीं छोड़ा था, बहुत ज़्यादा दूर आ गया। ये क्या लफड़ा है, मुझे तो अच्छे से याद है इतना दूर नहीं छोड़ा था मैंने, तो वापस ले लेता हूँ। मैंने तो उसको वहाँ छोड़ा था जहाँ पे प्रॉपर एंट्री थी, ये क्या लफड़ा है, ये तो अलग ही प्रॉब्लम हो गया। अरे अरे अंधेरा हो गया, शिट। ओके, मुझे लगता है मुझे वापस ढूंढना पड़ेगा एंट्री। बहुत बड़ा तकलीफ है, पर वो छूट गया ना हाथ से एंट्री, फिर ढूंढना पड़ता है गोल गोल, पता नहीं। ओके, तो ये हम गलत जगह आ गए, क्योंकि जहाँ पे वो था वहाँ पे सारे के सारे ये थे। हाँ, यहाँ पे सही एंट्री पे जा रहा हूँ मैं, बट वो आया कैसे इतना दूर करंट से? क्या बड़ी वाली है, देखो दोस्तों, बाप रे, ओ करंट मारती है, दूर रहो। हाँ ये रहा, इसको फॉलो करना है। आ गए बराबर एंट्री पे आए। मैं काम करने वाला हूँ, इसको ना यहाँ छोड़ दूंगा। आ गया, हाँ ये सही जगह है। चलो हमेशा चाकू लेके घुमाते हैं, मतलब कोई भी आया तो मार पाएंगे। अरे हीट, स्टीम 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 चाहिए, बहुत ठंडी बज रही है। तो पायरोबैटिक लैंडिंग पैड पर जाएंगे हम, वहाँ पे हमारा बनाएंगे स्नो फॉक्स, सारे के सारे जो भी सामग्री लगने वाली है वो सारी रेडी हमारे पास, तो बहुत मज़ा आने वाला है।
बहुत ही दूर है सब कुछ, बट हमारे पास नो फॉक्स रेडी हो जाएगी वैसे ही होगा। आ गए हम लोग पाए रोबोटिक। Dangerous weather approaching. Seek shelter. Habitat builder. अरे यहाँ नहीं बना सकते, यहाँ बना, अरे यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं। अजीब प्रॉब्लम है। अभी कहाँ बना सकते हैं इसको? अब यहाँ बनेगा, बना देते हैं। ठीक है, बन गया। वहाँ क्यों नहीं बना था? वो सही जगह था एक्चुअली। क्या काम है? ओ टाइट, अरे यार वो तो मिल जाएगा। ओले गिर रहे, ओले। तो हमें चाहिए टाइटेनियम, ठीक है। अरे टाइटेनियम यहीं पड़ा है, मिल गया। वो देखो बन रहा है जो दोस्तों, स्नो फॉक्स, बढ़िया। शेल्टर में बना दिया हमने, मतलब ख़राब नहीं होगा ओले से, ओले गिरेंगे तो अच्छा ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बन चुका है स्नो फॉक्स हमारा। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। तो हमारे पास लाइसेंस नहीं, अभी हम सीख रहे इसको कैसे चलाना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है। अच्छा ओके, ये फटाफट रिस्पॉन्स नहीं करता है बट ये फास्ट बहुत जाता है। ओके सही है दोस्तों, ये बढ़िया है। तो स्नो फॉक्स से बैठते ही हमारा टेम्परेचर नहीं जा रहा है, आप अगर देख सकते हो तो मेरा टेम्परेचर स्टेबल है अभी, सिवाय पानी और इससे। तो ये बढ़िया है, सही, मज़ा आने वाला है दोस्तों अगले पार्ट में। तो दोस्तों ये वाला पार्ट हम यहाँ ही ख़त्म करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 12 जो हो यहाँ ख़त्म होगा। पार्ट 13 में हम स्नो फॉक्स को लेके काफ़ी ज़्यादा गैलेक्टिक बेसिन एक्सप्लोर करेंगे। ये पूरा गैलेक्टिक बेसिन है आसपास में, ये सारा एक्सप्लोर करेंगे। मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लोरेशन होने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों, अभी ये एक बार पहले, सबसे पहले चीज़ है, इसको हम हटा देते हैं, जो हमारा चीज़ हो चुका है उसको पिन से निकाल देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके तो हमें क्रिएट करना है सूट, और सूट से ही वो, अरे भाई ये पूरा हील करता है, सही है। अच्छा इसमें भी बैटरी लगती है। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों कि अगले पार्ट में हम करेंगे ज़्यादा एक्सप्लोरेशन, और जो सूट है हमारा वार्म लगने वाला वो भी हम बनाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा है, और ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना,
कमेंट करना। वेदर अप्रोचिंग, सीक शेल्टर। और आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करना। ये बढ़िया गेम प्ले है, बढ़िया गेम है ये सबनॉटिका बिलो ज़ीरो। दोस्तों मैं जैसे बता रहा था कि हमारा जो टेकट्यूब चैनल है उसी का इंस्टाग्राम आईडी है TechTube247, उसको ज़रूर फॉलो करना, उस पर भी आपको काफ़ी अपडेट मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको अगले पार्ट में सबनॉटिका बिलो ज़ीरो।